दरबांदा नगर पालिका से सपा प्रत्याशी मोहन साहू ने भाजपा पर मतदाताओं को धमकाने और बरगलाने का आरोप लगाया है। मोहन साहू ने अपने मतदाताओं से अपील की है कि वो किसी के भी धमकाने और बरगलाने में ना आए। सपा प्रत्याशी का कहना है कि मैंने गरीबों को खून तक दिया है, हमेशा गरीबों की हर तरह से मदद की है। बांदा की जनता ने मेरे कामों को सराहा है, जनता का आशीर्वाद और प्यार मेरे ऊपर है। मोहन साहू ने हालिया वाक्य याद दिलाते हुए कहा कि सड़क पर ठेले लगाने वाले गरीब व्यक्ति को कार ने टक्कर मारी थी और वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। मैंने अपना प्रचार छोड़कर उसको देर रात अस्पताल में भर्ती कराया, मेरे लिए गरीबों की मदद पहली प्राथमिकता है। मैं मोहन साहू हमेशा गरीबों की मदद करने के लिए तत्पर रहता रहा हूँ। यहाँ तक कि कानपुर और लखनऊ तक जाकर के मैंने, चाहे वो गधेड़ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, उनको खून देने का काम किया है। हमेशा आगे बढ़ कर के लड़ाई लड़ने का काम किया है और हर तबका, हर समाज के लोगों के लिए रात को 12 बजे जिला अस्पताल और कोतवाली जाकर के मदद की है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे वोटर को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं। उनसे भी हम लोग अपने आम मतदाता से अपील कर रहे हैं कि इनके बरगलाने में मत आवें।